हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज कुकरी। आज मैं आपको पत्ते गोभी की खीर बनाकर दिखा रही हूँ। सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, पर आज मैं आपको जो खीर बनाकर दिखा रही हूँ उसे देखिए और बनाकर ट्राई कीजिए कैसा। देखिए, मैंने बारीक कैबेज को काट कर रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे काटना है। मैंने बिल्कुल ही टेंडर कैबेज लिया है, इस बात का ध्यान रखिए। और जब भी कैबेज लीजिए तो ऊपर के 2-3 लेयर्स हटा दीजिए ताकि अंदर वाले आपके सॉफ्ट मिले। इसे हमें ऐसे करके इसे बारीक काट लेना है। आप अपने हिसाब से इसे बारीक काट लें। हम इसे एक कुकर में, आप चाहे तो कुछ नॉर्मल से भी किसी बर्तन में इसे हाफ बॉईल कर सकते हैं। और इसे ध्यान रहे एक विसल से ज्यादा नहीं लगना है। और इसमें पानी भी हम नहीं के ही हिसाब से डालेंगे। मैंने हाफ कप पानी लिया है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, क्योंकि कैबेज खुद भी पानी होता है इसमें। तो बस हम इसे एक विसल लगाएंगे। जब तक हमारा पत्ता गोभी उबलता है तब तक हम दूध को गाढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बड़ा मग दूध लिया है। और मैंने 2 बड़े मग दूध लिया है। इसको हम आधा गाढ़ा कर लेंगे, इसे आधा जला देना है ताकि ये पूरी तरह से राबड़ी वाला दूध हो जाए, मलाई वाला दूध। तो इसे हम उबाल आने देते हैं। दूध को ध्यान रहे चलाते रहिएगा, नहीं तो दूध नीचे बैठ जाता है। बस दूध हमें आधा कर देना है, पूरी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। इसके लिए आप बीच बीच में दूध को चलाते रहिए। अब हम एक पैन लेते हैं, इसे गर्म होने देंगे। इसमें हम सबसे पहले 2 बड़े चम्मच घी के डालेंगे। देखिए, हमारा कैबेज बॉईल हो गया है। हमने इसे एक छन्नी में छान कर रखा है। डालेंगे और अब हम इसे अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे ताकि कैबेज का जो स्मेल है वो सारा निकल जाए। अब हम इसे अच्छे तरीके से घी में, ध्यान रहे शुद्ध घी लेना है, गाय की जो घी आती है में हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है। लगभग गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा चीनी डालेंगे। दूध गाढ़ी होने के बाद खुद मीठी हो जाती है, इसलिए चीनी अपने हिसाब से डालेंगे। यहाँ पर हमने 4 स्पून चीनी डाला है। इसे फुल फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे, इसे सिम करके नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये फिर पानी छोड़ने लगेगा। इसे हमने शुद्ध घी में फुल फ्लेम पर चलाते रहना है। ये थोड़ा कलर हमारा चेंज हो गया है, मीन्स ये हमारा अच्छे तरीके से भुना गया है। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे, जो हमने गाढ़े करके दूध को रखा है अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे गाढ़ी दूध में। हमारा पत्ते गोभी का खीर तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब हम इसमें गैस ऑफ करके इलायची का पाउडर डालेंगे। और हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखा है, जिसमें मैंने किशमिश, पिस्ता और बादाम लिया है, वो इसमें डालेंगे। पत्ते गोभी का खीर तैयार है, आइए इसे एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पत्ता गोभी का खीर तैयार है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।